और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब बड़ी खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, उन्होंने कहा कि एमपी अधिवक्ता सहायता के तहत 5 करोड़ की राशि दी जाएगी। गंभीर रूप से बीमार अधिवक्ता को 5 करोड़ की राशि सरकार देगी। दिवंगत 43 अधिवक्ता के परिवार को 1-1 लाख रूपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है, इसके तहत 50,000 बेड की व्यवस्था की गई है। राहुल गांधी के ट्वीट पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया, कहा देश के अपमान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं राहुल और कमलनाथ। कमलनाथ ने पन्ना में मिले शव पर ट्वीट किया लेकिन जानकारी नहीं ली। गांव के अंदर कोरोना की संक्रमण दर 6% है और शहरों में 13% है, इसलिए ये भ्रम भी न फैले कि गांव में तेजी से फैला है। गांव के लोग अत्यधिक जागरूक हुए हैं और जो सीएम मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था दी थी उसको पालन कर रहे हैं। बाहर क्वारंटाइन सेंटर भी बना रहे हैं, बाहर के आदमी को अंदर घुसने भी नहीं दे रहे, इसलिए वहां कुल 6 की दर है। विधि और विधायी विभाग के अंतर्गत कल हमने अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति की बैठक की थी और एक मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना के तहत हमने तय किया है कि कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित अधिवक्ता जो हैं, हमारे वकील हैं, उन्हें 5 करोड़ रुपए की राशि उपचार के लिए दी जाए। कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित अधिवक्ताओं को, एडवोकेट वकीलों को राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद इलाज कराने वाले के खाते में राशि डाली जाएगी। दूसरा, जो मुख्यमंत्री कल्याण स्कीम के तहत अभी हमारे 43 अधिवक्ता जो दिवंगत हुए हैं उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का भी निर्णय किया है। कुछ माह पहले भी 303 दिवंगत अधिवक्ताओं को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की थी। साथ ही गंभीर बीमारी से ग्रसित अधिवक्ताओं के लिए भी 1 करोड़ की राशि अलग से स्वीकृत कर रहे। दो लोग ऐसे हैं, देश के अपमान में अगर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की है तो वो राहुल गांधी हैं और मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश में कमलनाथ जी हैं। पन्ना की दो लाश जो नदी के अंदर पाई गई उनका मैंने कल ट्वीट देखा, किस तरह से मध्य प्रदेश को बदनाम करने में पूरी कांग्रेस पार्टी और उसके कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी लगे, मेरी समझ से परे। वो दोनों मृतक, एक की उम्र 75 साल थी, 90 वर्ष थी, एक कैंसर की बीमारी से था, दूसरा स्किन डिसीज थी, लोकोमा डिसीज थी। आदिवासी समुदाय के थे, वहां वैसी परंपरा थी, दोनों के नाम थे, पते थे। कमलनाथ जी आप भी मध्य प्रदेश में एक कैबिनेट मंत्री के स्तर का पद रखते हैं, संवैधानिक पद है आप पे, आप परदेश को बदनाम करने के पहले जानकारी ले लेते कलेक्टर से कि वस्तु स्थिति क्या है। लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस तरह से आंख गड़ाए बैठे थे गिद्ध की तरह, ये अच्छा नहीं है आपकी पार्टी जो कर रही है। एक विधायक ने विदिशा में फर्जी वीडियो डाल दिया, कांग्रेस शासित किसी प्रदेश का, और कह दिया मध्य प्रदेश के विदिशा का। एक विधायक चला तो अस्पताल में डॉक्टर को धमका रहा है, एक विधायक चला तो जबलपुर में पुलिस के कांस्टेबल को धमका रहा है। ये क्या है, ये कौन सी संस्कृति है कांग्रेस की इस आपदा के काल में?
कौन सी संस्कृति है कांग्रेस की इस विपत्ति के काल में? अरे कहीं तो इतने बड़े उद्योगपति थे, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, किसी गरीब को रोटी खिलाते दिख जाते। कहीं तो एक आध कोविड सेंटर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस सेवा दल या कांग्रेस पार्टी ने खोल दिया होता। राजीव गांधी फाउंडेशन से लेके आप जैसे उद्योगपति हो, क्या एक भी नहीं खोल पा रहे हैं? अरे दामाद जी से ही कह देते, वो ही खुलवा देते। कहीं बहुत बड़े उद्योगपति हैं देश के अंदर, देश कभी माफ नहीं करेगा इस कांग्रेस पार्टी। हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए आपकी नजरें कहां तक जा रही हैं ये भी देख रहे हैं प्रदेश। आप अच्छे सुझाव दीजिए ना, आइए ना, मान लो हमसे गलती, हम कब कह रहे हैं कि हमसे गलती नहीं होगी? होगी, जो चलेगा वो गिरेगा भी। आप तो चल ही नहीं रहे, बिस्तर पर बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। आप हमें अच्छे सुझाव दो, हम मानेंगे सर झुका के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना पूरे देश के अंदर। दो संक्रमण तेजी से फैले, पॉजिटिविटी कोरोना में और नेगेटिविटी कांग्रेस में, पूरे देश के अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मैं अच्छा नहीं मानता। नए मामले 8411 आए जबकि ठीक होकर 9484 लोग अपने अपने घर पर सकुशल गए। कोरोना की पॉजिटिविटी संक्रमण दर 13.8, टेस्ट जो हमने कल किए हैं वो 64,677 हैं और देश में वो हम 15वें नंबर से भी नीचे खिसक के 16वें की ओर बढ़ गए। लगातार हमारी कोरोना के क्षेत्र में स्थिति सुधरती जा रही है। अब अधिकांश जगह बेड उपलब्ध हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सहायता योजना प्रारंभ की इलाज की गरीबों के लिए निःशुल्क, उसमें भी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन के बाद लगभग 50,000 बेड की व्यवस्था प्रदेश के अंदर कर ली है। कोरोना की तीसरी चेन को भी तोड़ने की तैयारी मध्य प्रदेश ने एडवांस की है और आपको ये जानकर प्रसन्नता भी होगी कि मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के मॉडल को जो पंचायतों में गांव में हमने लागू किया है उसकी दिल्ली ने भी मंगाई है, जिससे अन्य राज्यों को वो दे सके। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि पूरा का पूरा इलाज निःशुल्क वो करेंगे, फंगस जो आंख का है। और प्रदेश के अंदर जो नए केंद्र भी खुलने वाले हैं वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही खुलने वाले हैं केंद्र के द्वारा। मध्य प्रदेश के अंदर इस इलाज और इस बीमारी को बहुत गंभीरता से लिया है। आज मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की है, राज्य सरकार ने कोरोना से संक्रमित जो बेसहारा बच्चे हैं, जिससे कोरोना से के संक्रमण जिनके माता पिता चले गए और बेसहारा हो गए, उन पूरे परिवारों की चिंता शिवराज सरकार करेगी। इन बेसहारा परिवारों को पेंशन, निशुल्क राशन, बच्चों को निशुल्क शिक्षा जैसी सुविधाएं देने वाला राज्य मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा। कल मैंने बोला था कि 13 लोगों का है मध्य प्रदेश के नेता, न 3 में है न 13 में। 5% से कम जहां पर भी कोरोना का वो आ जाएगा वहां उसमें आंशिक रूप से ढील दी जाएगी। प्रारंभिक दौर में परिणाम अच्छे आएंगे तो आगे विचार किया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इन चीजों को देखेगी। आज मैंने भी एक समाचार में पढ़ा है, मैं इसका संज्ञान लेकर जानकारी लेता हूं क्या स्थिति।